हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा, आज आपके लिए पुनः हम लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में लगभग मुझे लगता है 300 क्वेश्चंस के लगभग हम बड़ा पार्ट है ये। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये वो सभी प्रश्न है जो कभी भी टीजीटी में पूछे जा सकते हैं, पीजीटी में पूछे जा सकते हैं, केवीएस, एनबीएस, जेसस भी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पीसीएस में अगर आपने बॉटनी चूज किया है तो उसमें, या अन्य कोई एग्जाम है जहां बॉटनी आनी है, उन सब में इक्वली ये महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने से फायदा क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा, क्वेश्चंस डोमिनेंट होंगे और एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, फोटो सिस्टम सेकेंड अकरिंग, फोटो सिस्टम सेकेंड या द्वितीय जो फोटो सिस्टम होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रेना में। कहाँ पाया जाता है? ग्रेना में। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ग्रेना। जो फोटो सिस्टम सेकेंड का उपयोग केवल नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में होता है, जिसे अब जेड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड साइकिल के नाम से जानते हैं। और जेड साइकिल एक ऐसी होती है जिसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी देख लेते हैं। आप पिक्चर देख रहे होंगे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है। तो यहाँ दोनों पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यूज होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जहां पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है यहीं पानी टूटता है। तो ये देखिए, वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है और ये वाटर से ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड में। तो ये लाइट की उपस्थित में ये जाता है प्राइमरी एक्सपेक्टर, जिसे फियोफाइटिन बोलते हैं। ये फियोफाइटिन से होकर प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन से जाता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, और यहां से प्राइमरी एक्सेप्टर यहां है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेरेडॉक्सिन, और यहां एनएडीपी से बन जाता है एनएडीपीएच ये। और यहाँ नॉन साइक्लिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुनः वापस नहीं आ पाता है, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक बोलते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली में हाइड्रोजन समकक्ष होते हैं, तो वही ये दिखाया हुआ है। चलिए अब हम अपने नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म? इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होता है जो प्लांट मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा मोबाइल होता है या चल सकता है? तो वो है हमारा कौन? पोटेशियम। कौन सा दिया हुआ है? पोटेशियम। कई बार पूछा गया 2001, 2006 और 2009, इसके अलावा टीजीटी में भी पूछा गया और पीजीटी में। विच आर द फॉलोइंग इज ए साइटोकाइनिन? इनमें से साइटोकाइनिन कौन सा है? तो आप हमें बताएंगे इनमें साइटोकाइनिन कौन सा है। तो इसमें साइटोकाइनिन बेंजिल अमीनो प्यूरिन है। बेंजिल अमीनो प्यूरिन इज ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज ए प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। तो इसको ऑप्शन डी सही है, बेंजिल अमीनो प्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच एटीपी जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ EFADH2? तो EFADH2 से कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं? दो। NADPH2 से कितने निकलते हैं? तीन मॉलिक्यूल्स। और GTP से एक। तो ये क्रेब्स साइकिल में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ग्लाइकोजन फाउंड एज द रिजर्व फूड इन फंजाई इज ए, तो बताएगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शन सिंपल सा है, पॉलीसैकेराइड। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा मेटल एलिमेंट कंटेन रखता है? मैग्नीशियम, आयरन और Hg और CO। तो कौन सा रखता है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन द Fe यानी आयरन मेटल एलिमेंट। इट इज द प्रेजेंट आयनिक स्टेट। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ए मेटेलो प्रोटीन। कैसे होती है? मेटेलो यानी मेटल्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंटीग्रल टू द माइटोकैंड्रियल मेम्ब्रेन, इंटीग्रल टू द माइटोकैंड्रियल मेम्ब्रेन विच कंटेन कॉपर एंड आयरन। द फॉलोइंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ, रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड द फ्लावरिंग
फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, मैंने गलत बोला है। द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, फॉलोइंग में शायद बोल गया था, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड, तो इसको किसके नाम जानते हैं, फोटोपीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स इज इन्वॉल्व इन द लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटो सिस्टम सेकेंड, बताएगा वो कौन सा मेटल्स है जिसके कारण जो लिब्रेट ऑफ ऑक्सीजन इन फोटो सिस्टम सेकेंड, तो वो है कौन सा, मैग्नीज। तो ऑप्शन फर्स्ट सही, मैग्नीज इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटो सिस्टम सेकेंड। द टेट्रान्यूक्लियर मैग्नीज कॉम्प्लेक्स इन फोटो सिस्टम सेकेंड फंक्शन टू एक्यूमुलेट ऑक्सीडाइजिंग इक्विवेलेंट एंड टू कैटेलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रेशुलेशियन प्लांट स्टोमेटा आर ओपन इन डार्क ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, किसके कारण ये रात्रि में खुलते हैं क्रेशुलेशियन प्लांट्स में, तो ऑप्शन सही है मैलिक एसिड। क्या सही, मैलिक एसिड, कैम प्लांट की बात कर रहा है। गटेशन अकर थ्रू, गटेशन किसके द्वारा होता है, तो गटेशन होता है हाइडन थ्रोट के द्वारा। गटेशन में होता क्या है, बिंदुस्राव बोलते हैं और इसमें जल के रूप में बाहर निकलता है, उसमें कई सारे मिनरल्स भी उपस्थित रहते हैं। फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, फाइटोएलेक्सिन किसने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, तो मुलर ने 1940, फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मुलर इन 1940। क्वेश्चन कर्जर दूसरी जगह था और क्वेश्चन मैं अलग बोल रहा था, वीडियो में वही देख रहे होंगे, तो पुनः फटाफट देख लेते हैं। द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स द प्लांट टू रिलेटिव लेंथ डे एंड नाइट इज कॉल्ड, तो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू रिलेटिव लेंथ एंड डे एंड नाइट इज कॉल्ड, तो फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन्वॉल्व इन द लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटो सिस्टम सेकेंड, तो वो कौन सा है, तो वो हमारा है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रेशुलेशियन प्लांट स्टोमेटा आर ओपन इन डार्क ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पढ़ा रहता है, गटेशन अकर थ्रू द हाइडन थ्रोट्स और फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो वो कौन से थे, मुलर 1914 में। तो ये क्वेश्चन थे, चलिए। सीड डोरमेंसी इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर, बीज प्रसुप्ति निम्नलिखित वृद्धि नियंत्रकों में से मुख्यतः किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, वो होती है एब्सिसिक एसिड के कारण। एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन, इट कॉज द डोरमेंसी ऑफ बड्स एंड सीड, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बड्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल के घटक नहीं है, तो क्लोरोफिल का घटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, कैल्शियम। अनराइप टोमेटोज आर ग्रीन बट लेटर दे बिकम रेड बिकॉज, कच्चे टमाटर हरे होते हैं परंतु बाद में वे लाल हो जाते हैं, तो किसके कारण हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इंटू क्लोरोप्लास्ट, नहीं, क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इंटू क्रोमोप्लास्ट, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल, तो वो कौन सा होना चाहिए, एंथोसाइनिन होना चाहिए, चलो देख भी लेते हैं, एंथोसाइनिन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटालाइंस द स्टोरेज प्रोटीन फाउंड इन सीड लाइक दैट ऑफ व्हीट एंड राइस आर सॉल्युबल इन, ग्लूटालाइंस जो बीज जैसे गेहूं धान के में पाई जाती है जाने वाले संचयक प्रोटीन होती है, घुलनशील होती है, तो ये किसमें घुलनशील होती है, तो बताएगा, तो ये वीक एसिड सोल्यूशन तनु अम्लीय घोलों में, नया क्वेश्चन है, तनु अम्लीय घोलों में
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर द बेसिस ऑफ कोड गिवन बिलो द स्टेटमेंट. देख लेते हैं भाई क्या है. द एम ऑफ द फेलो टैक्सी इज ए प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ लीफ, ठीक है, जिससे कि पत्तियों की अधिकतम प्रकाश मात्रा मिल सके और पत्तियां कम से कम छायित हो सके. तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइएगा, ए बी सी डी. चलो देखते हैं. तो इसका ऑप्शन ए सही था, बोथ ए आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. प्लांट हार्मोन द इंड्यूसेस सेल डिवीजन, इस कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो काइनिन है, जो सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस्ड करता है. ACDS सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो माइक क्लिंटक ने ACDS सिस्टम मेज को डिस्कवर्ड किया था, ध्यान रखिएगा. अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस ड्रॉट द ABA लेवल इन लीफ इंक्रीज, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ABA इन. जलाभाव सूखा की स्थिति में पौधों में ABA का प्रेरित जैव संश्लेषण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, मीजोफिल सेल साइटोप्लाज्म, मीजोफिल सेल साइटोप्लाज्म के द्वारा, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बिसाइड सी एडनोसिन मोनोफॉस्फेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम. CAMP अतिरिक्त निम्न अणुओं में से कौन सा द्वितीय संदेह वाहक का काम करता है, कैल्शियम करना चाहिए मेरे हिसाब से, कैल्शियम ही होगा, तो ऑप्शन बी सही. कैल्शियम इज द फॉर्म ऑफ कैल्मोडिलिन एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर बिसाइड CAMP विच वन ऑफ द कैल्शियम एंड मॉलिक्यूल एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम. द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट, कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि इससे क्या होता है, इससे अनुवांशिकता एक समान बनी रहती है, ध्यान रखिएगा. वहां जब भाई क्रॉस होगा, जब जनन होगा, दो जीव आपस में क्रॉस करेंगे तो अलग अलग जीन्स आएंगे, तो करेक्टर बदलेंगे, जब होएगा ही नहीं तो फोटो कॉपी ही होगा पेरेंट्स का. ये बड़ी समस्या हो रही भाई आज. एक्चुअली में मैंने ये भी कहा था, क्रायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि आनुवंशिक एक समान संतत देती है. ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फ्लावरिंग प्लांट अकर इन द फॉर्म, पुष्पी पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है, तो वो होता है बताएंगे आप सुक्रोज के रूप में, किसमें होता है सुक्रोज, तो ऑप्शन डी सही होगा. Which one of the following pigment is soluble in water? तो भी हमने आपको बताया था कौन सा होगा, अभी तो anthocyanin था, यहाँ anthocyanin दिया नहीं है, तो कौन सा होगा, तो C नंबर होगा phycocyanin. कौन सा होगा, phycocyanin. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो एक ग्लूकोज से दो पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसका अंतिम उत्पाद के ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है C2H5OH, ग्लाइकोलिसिस अंतिम उत्पाद पाइरुविक एसिड होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है. ए यहां दिया हुआ सो गलत है, इसका ऑप्शन बी सही होगा. अंतिम उत्पाद क्या होगा ग्लाइकोलिसिस का, क्या होगा, पाइरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के निकलते हैं. द लाइट एब्जॉर्ब बाय द phycocyanin पिगमेंट इज द वेवलेंथ. phycocyanin जो पिगमेंट होता है वो कितनी वेवलेंथ का प्रकाश एब्जॉर्ब करता है, तो ऑप्शन सी सही है 620 nm, ऑप्शन सी सही है. प्लास्टोसाइनिन इज ए मिटेलो प्रोटीन दैट कंटेन, तो प्लास्टोसाइनिन में क्या पाया जाता है, तो कापर पाया जाना चाहिए, तो हाँ सही है, तो ऑप्शन सी सही है कापर. इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द हार्बिसाइड लाइक DCMU एंड डाइमेथिल यूरिया इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन, तो ये कहाँ ब्लॉक करती है, तो ये प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्यूनिन और साइटोक्रोम के मध्य में, चलो इसको देख लेते हैं, ये कल हमने आपको डिस्कस भी किया था. इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द हार्बिसाइड DCMU प्लास्टोक्यूनिन फॉर द क्यूनिन बाइंडिंग द
हर्बिसाइड इज द प्रेजेंट डिस्प्लेसेस द ऑक्सीडाइज फ्रॉम द प्लास्टोक्यूनिन ऑक्यूपाइज द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर द क्यूनिन एक्सट्रैक्टर बाय द हर्बिसाइड बाइंडिंग प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पाइरूविक एसिड टेक प्लेस. पाइरूविक एसिड में एस्टिल कोएंजाइम ए बनने की क्रिया संपन्न होती है, तो ये तो क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है. द प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग फीमलेनेंसिस पादप हार्मोन जो मादापन को प्रोन्नत करता है, वो हार्मोन्स कौन सा होता है जो मादापन को प्रेरित करता है, तो वो होता है ऑक्सिन. नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन न्यूट्रल प्लांट्स ऑक्सिन हैव बीन फाउंड प्लेइंग द फ्लोरीजिनिक रोल. दे आर रिपोर्ट दैट IAA इंडोलिस्टिक एसिड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर. एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन कैन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर. और जिब्रेलिन किसको प्रेरित करता है, मेल फ्लावर को, और ऑक्सिन फीमेल फ्लावर को. द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन CO प्लांट तो वो कौन सा होता है, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है या फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड होता है. इन मेसोफिल सेल ऑफ कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर थ्रो. कैम पौधों में मेसोफिल कोशिकाओं में दिन के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है, तो किसमें होता है, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे. इसी के साथ नमस्कार.